कहा कृषि उन्नति देशर प्रगति प्रकृत में जदि कृषि आहरी आगक बढ़ कृषि आहरी उन्नति आसव देशर मेरुदंड से मजबूत हे से तो सरकार अनेक योजना करिसंती कृषि क्षेत्र में किभली भाव आहरी परिवर्तन आसिबो से नहीं प्रचेष्टा आमर मध्य लक्ष्य किभली भाव आमर कृषि और कृषक प्रगतिर धारा रे सामिल हेबे आहरी आगक बढ़े और आम चाषी भाई मुँह से हस फुटिबो आसंतु एही महत उद्देश्य नहीं आरंभ करिबा आज कार्यक्रम जार ना कृषि दर्शन। दर्शक बंधु कृषि रे उत्पादन वृद्धि सहित आम चाषी भाई मान आय बहुगुणित करने सदा सर्वदा आम चेष्टा कर खाली से नुहे याम वैज्ञानिक मान चेष्टा कर नुआ नुआ ज्ञानकौशल आसुची उन्नत प्रणाली आसुची से सबू किभली भाव में आम चाषी भाई मान पाखे पहुँचब आपण मैंने तार उपयोग करें से आम कार्यक्रम रही कि कृषि खबर एवं बजार दर आसतु यापर नजर पक नमस्कार स्वागत करुच्ची आज कृषि खबर को। सरकार चाषी भाई मान आय 2022 मसीहा सुधा दुई गुण करने लक्ष्य रखिंट जहाँ सफल हेब चाषी भाई मान परिश्रम और किसी नुआ कौशल द्वारा तेणु सेमती किसी कौशल आम सबुदिन देखा था आम कार्यक्रम मध्यम मांडिया चाषपाई प्रोत्साहन महुमाछी पालन चाषवास क्षेत्र में महिला सफलता भेंडी किसम उत्कल गौरव स्वयंचालित क्षीर दुहा जंत्र प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना बासुमती चाउल रप्तानी एवं पाणीपाग मांडिया चाषपाई राज्य सरकार पक्षर कृषक मानक प्रोत्साहन जोगाइ दि जाऊँगी आधुनिक पद्धति में मांडिया चाष करने से तालीम दि जावास सर्वनिम्न सहायक मूल्य से मांडिया संग्रह करा सुंदरगढ़ जिलार कुत्रा ब्लक चलित खरीफ ऋतु में 1400 एकर जमि में मांडिया चाष कर समस्त प्रकार सरकारी सहायता और प्रशिक्षण एवं ज्ञानकौशल जोगाइ दि जाता एवं मंडी माध्यम रे मांडिया संग्रह करा जाउछि या व्यतीत निज खाद्य प्रस्तुति रे मांडिया व्यवहार करने को सेमानकु परामर्श दिया जाउछि। महुमाछी पालन पाई आम राज्यर जलवायु बेस अनुकूल साधारणतः इटाली और सप्तफेणी महुमाछी आम राज्य में पालन कराए तेबे गोटे स्टैंड बाक्स एवं नुआ महुमाछी दल को नहीं चाषी भाई टे महुमाछी पालन करिपारिबे खदी और ग्रामोद्योग बोर्ड पक्षर एथिपाई रिहाती दर में समस्त सहायता जोगाई दिया जाउछि उपयुक्त भावे महुमाछीर जत्न नेले चाषी भाई माने भल आय करिपारिबे भल बजार दर और बिक्री बटार समस्या नथिबारु चाषी भाई माने महुमाछी पालन कले अधिक आय करिपारिबे। आम राज्य में चाषवास क्षेत्र में महिला योगदान किछि कम नुहे पनीपरिबा फसल और धान चाष कर सफलता पाई महिला जनक होती टुनिमणि प्रधान नुआपड़ा ब्लक बाघमुंडारे घर पांच एकर जमीन में धान चाष करने सहित नाना प्रकार पनीपरिया फसल चाष कर तेरे पनीपरिया फसल से अधिक लाभ पाती बैगण जह्नि कलरा काकुड़ी लगे बिल चारिपटे काजु चाष कर मासक 10-12 हजार टंका लाभ पाती ए क्षेत्र में निजर सफलता और अभिज्ञता विषय से कहती पांच एकर जमी अच्छी आठ सब पनीपरिया फसल करा पनीपरिया मु फसल करे बैगण जहनी काकुड़ी कलरा आई सब फसल कर लंका बैगण करा धान भी होची काजु भी ये अच्छी जहाँ खाई बिक्री करसक 10-12 हजार टंका हूँ अति नियम रे मोर होची वर्षक लाख टंका होची आ जीवन जीविका कथा उठले मनरे आसे साधारण कृषि प्रणाली बा चासबास उपाय हेले ता सहित किछ नुवा उपाय जोड़ी देले कृषि हुए सरल चासी भाईर होइता विकास तेणु सेमिति किछ नुवा चास पद्धति जानि नबा किंतु संक्षेप रे आम राज्यर जलवायु रे चास उपयोगी भेंडी किसम उत्कल गौरव विशुद्ध जीवाणुमुक्त क्षीर पाइबा पई स्वयंचालित क्षीर दुहा जंत्र खाद्य प्रक्रियाकरण शीतल भंडार श्रृंखल और मेगा फूड पार्क प्रतिष्ठा पाई प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना चलित आर्थिक वर्षर गत 9 मास मध्यरे आम देशर विदेशकु 33,80,000 टन रु अधिक परिमाणर
ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଇଛି। ଚାଷ କାମ ସବୁ ଫସର ପସା ପାଣିପାଗକୁ ଯେ କରେ ଭରସା, କାରଣ ଆଜିକାଲି ପାଣିପାଗ ଯେ କେତେବେଳେ ବଦଳିଯିବ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ରଖି ଚାଷ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ରହିଛି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପମାତ୍ରା ଢେଙ୍କାନାଳ ସର୍ବନିମ୍ନ 19 ଓ ସର୍ବାଧିକ 33 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ବାଲେଶ୍ୱର 18 ଓ 31, ଭବାନୀପାଟଣା 17 ଓ 34 ଏବଂ କୋରାପୁଟ ସର୍ବନିମ୍ନ 15 ଓ ସର୍ବାଧିକ 28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କୃଷି ପରାମର୍ଶ, ଫସଲ ନଥିବା ଜମିରୁ ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ଅନୁମୋଦନ ଅନୁସାରେ ଖତ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୃଷି ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରେ ପରେ ରହିଛି ବଜାର ଦର। ବଜାର ଦରକୁ ସ୍ୱାଗତ। କଥା ହେଉଥିଲେ ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଯାହା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ସଠିକ୍ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଆଜିର ବଜାର ଦର। ବଜାର ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବଜାର ଚାହିଦା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବଜାରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହାଟ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ଦରଦାମ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଆଳୁର ବଜାର ଦର, ବାମ୍ପଡ଼ାରେ ଆଳୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 800 ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦରରେ ମିଳୁଛି। ବେତନଟିରେ ଏହି ଦର 1000 ରୁ 1200 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ କଟକ କୃଷକ ବଜାରରେ 800 ରୁ 900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ଏହି ଦର ହ୍ରାସ ପାଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 700 ରୁ 800 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବଜାର ଦର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପାୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ତ ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ବି ମିଳୁଛି। ଏ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଚାଷ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ନୂଆ ଧରଣର ଡ୍ରାଗନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଚାଷ କ'ଣ, ଏହା କେବେଠାରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ଏ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନା ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହାକୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଏକ ବାହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଫଳ, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଫଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ପୌଷ୍ଟିକତା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଫଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେଣି। ଏହା ଏକ ବହୁବର୍ଷୀୟ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଫଳ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଅଛି, ଯାହାକି ପିତାୟା, କ୍ୱିନ୍ ଅଫ୍ ଦି ନାଇଟ୍, ନାଇଟ୍ ବ୍ଲୁମିଂ, ସେରେଅସ୍, ବେଲେ ଅଫ୍ ଦି ନାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ହମାରେ ଲିଏ ଏକ ନୟା କ୍ରପ୍ ହେ। ଏହା ଯୋ ଫଲ ହେ ୟା ମୁଖ୍ୟ ରୂପ ସେ ଲେଟିନ୍ ଆମେରିକାନ ଯୋ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହେ ଉହାଁ ଉତ୍ପାଦନ ଜ୍ୟାଦା ହୋତା ହେ, ଜୈସେ ବ୍ରାଜିଲ ହେ, ବେନେଜୁଏଲା ହେ ୟା ଫିର ମେକ୍ସିକୋ ହେ, ଇସ୍ ରିଜନ୍ସ ମେ ଜ୍ୟାଦା ହୋତେ ହେ। ଔର୍ କୁଛ ସମୟ ପହଲେ ସେ ଯୋ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହେ, ଜୈସେ ତାଇୱାନ ହେ ୟା ମଲେସିଆ ହେ, ୟହାଁ ଭି ଅଧିକ ସେ ଅଧିକ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ କି ଖେତି କି ଜାତି ହେ। ଇସ୍ ଫଲ କା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟା ହେ, ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଜ କ୍ୟା ହେ, ଇସ୍କା ମାର୍କେଟ ଭାଲ୍ୟୁ ଯୋ ବାଜାର ମେ କିମତ ହେ ଓ ଜ୍ୟାଦା ହୋତା ହେ ଔର ସବ ଫଲୋ ସେ, ଔର ଲଗଭଗ 300 ରୁପିଏ ସେ ଲେକେ 400 ରୁପିଏ ତକ ପ୍ରତି କିଲୋ ଅଗର ଅଚ୍ଛେ କ୍ୱାଲିଟି କା ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ହୋ ୟା ବିକତା ହେ। ଭାରତରେ ଏହି ଚାଷ ପ୍ରଥମେ ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚାଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲାଣି। ଏହି ଫଳରେ ଭିଟାମିନ, ମିନେରାଲ, ଫାଇବର ଏବଂ ଅଧିକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଗୁଣ ଥାଏ। ହମାରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ହେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହର୍ଟିକଲଚରାଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ଚେସ୍, ଆଜ ସେ ଲଗଭଗ 4 ସାଲ ପହଲେ ସେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ହମାରେ ଇସ୍ ବାତାବରଣ ମେ କିସ୍ ତରହ ସେ ପରଫର୍ମ କରେଗା, ଇସ୍କେ ଲିଏ ଇସ୍କା ଇଭାଲୁଏସନ କିଆ ଗିଆ ହେ। ଔର ହମ ଲୋଗ ୟେ ପାଏ ହେ କି ୟେ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରପ୍ ହମାରେ ରିଜନ କେ ଲିଏ ହୋ ସକ୍ତା ହେ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଏକ ଲତା ଜାତୀୟ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍, ଏହାର ଡାଳରେ ଚେର ଉଠିଥାଏ ଯାହାକି ଡାଳ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ତିନି କୋଣିଆ ରସାଳଯୁକ୍ତ ଡାଳ ସହିତ ତରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ରିପ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଓରିଏଲ ଏବଂ କଣ୍ଟା ଥାଏ। ଓରିଏଲରୁ ନୂଆ ଡାଳ
कढ़ एवं कंटा बाहरी थाए। इस क्रॉप की सबसे अच्छाई क्या है कि ये एक लो इनपुट क्रॉप है। इस क्रॉप के में बीमारी और कीड़े भी बहुत कम लगते हैं, और लगाने के अगर अच्छा पौधा मिल जाए तो लगाने के एक साल बाद से इसमें फल आना शुरू हो जाता है, जबकि 3 साल के बाद इसमें अच्छे खासे फल आते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा है कि इसका जो फल है मई जून से लेकर सितंबर तक ही आता है, और उसके बाद इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो होता है, इसी बीच में हमें फल मिलता है। ड्रैगन फ्रूट रे फूल मे मास रे आसी थाए, जहाँ सेप्टेम्बर मास पर्यंत चली थाए। जदियो गोटे वर्ष पर फूल आसी थाए, किंतु लाभजनक अमल 3 वर्ष पर होइथाए। मे रु सेप्टेम्बर मध्यरे ड्रैगन फ्रूट 3-4 थर फूल धरी थाए। कढ़ पाकल डाळरु बाहरे, जहाँ 3 सप्ताह पर फूल होइथाए। गछरे धळा रंगर फूल, जहाँ संध्या बेले खोले एवं सकाळ 7टा पर्यंत खोला रहे। एक परिपक्व गछ प्रायतः 12-20 फूल धरी थाए। फूल से लेकर जब बड निकलना शुरू होता है और जब फल पकते हैं, इसमें लगभग 8-9 सप्ताह लगते हैं केवल, और जब फल पक जाते हैं तो ये पकने के बाद फल हरे से लाल हो जाते हैं। और इसमें दो मुख्य रूप से दो अलग तरह के ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन होता है। हर का रंग लाल होता है, लेकिन जब हम उसको काटते हैं तो एक टाइप में अंदर उजला पल्प होता है और दूसरे को काटने से अंदर लाल पल्प होता है। जो लाल पल्प होता है उसका मार्केट में प्राइस ज़्यादा है, इसलिए उसके उत्पादन करने से सभी को ज़्यादा पैसा किसानों को प्राप्त होगा। ड्रैगन फ्रूट है लता जातीय कैक्टस, जहाँ माड़ापी किसी सपोर्ट दरकार, जपरिक सीमेंट पोल, काठ लुहा खुंट एवं कांथ। ड्रैगन फ्रूट गच्छ को सपोर्ट दबापाई भल फल और अमल पाइबापी भल ट्रेनिंग प्रणाली दरकार। ड्रैगन फ्रूट गच्छ को सपोर्ट दबापाई आम लुहा खुंट बा सीमेंट खुंटर व्यवहार करिथाउ। एही खुंटर उपरी भागरे जीआई रड एक रिंग पर दि जाए, जहार व्यास प्रायतः 90 सेंटीमीटर, जहाँ गच्छ बढ़िबारे साहाज्य करे। एही खुंट उच्चता प्रायतः 5 फुट हेबा दरकार। एही पोल मूल को सीमेंट बाली देई भल भाबरे फिक्स करा जाए। जब हम पूरे चीज़ों को देखते हैं तो इस ड्रैगन फ्रूट को करने में खर्च थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें जो ट्रेनिंग सिस्टम है, चाहे सीमेंट का पोल लें चाहे आयरन का पोल लें, इसके ट्रेनिंग सिस्टम में लगभग अगर हम 1 हेक्टेयर करेंगे तो 4-5 लाख रुपये लगभग खर्च हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद चूँकि इसका लाइफ लगभग 10-15 साल भी हो सकता है, तो वो ट्रेनिंग सिस्टम का कॉस्ट, इससे जो हमें मूल्य प्राप्त होता है उसके कारण, वो ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है वो हम किसी तरह से भरपाई कर लेते हैं 1-2 सालों में, और उसके बाद हमें इससे फ़ायदा होता है। और पूरे 1 हेक्टेयर से हमें 3.5-4 लाख रुपया आराम से इससे प्राप्त हो सकता है। ड्रैगन फ्रूट रे भल अमल पाइबापाई पराग संगम दरकार। जदि फूलगुड़िक भल भाव पराग संगम हो फल हलदिया पड़ एवं शेषे झड़ी पड़ जेहेतु पराग संगम संध्या बेलिया पोक एवं बादुड़ी द्वारा होता है, फल बढ़ापी फूल ठीक मात्रा रे पराग पाई नथाए। सेथिपाई बड़ फल हेबापाई फूल को कृत्रिम उपाय रे पराग संगम करा जाय थाए। एही पराग संगम संध्या बेले एवं सकाळे करा जाय। और इसमें आप देखें, एक पौधे में अभी एक सीजन में एक टाइम में आप लगभग इसमें 12-14 आप फ्लावर है। इसी तरह ये 4 बार आता है, मई से लेकर सितंबर तक में 4 बार आता है, तो लगभग 50-60 हमको फल जो है आसानी से इसमें प्राप्त हो जाते हैं। फल 4 सप्ताह रे पाकल होइथाय। फल रे रंग नील रंगरु नाली रंग होइथाय, जहाँ सहजरे जानी हुए। फलर रंग पूरा नाली रंग हेले फल अमल करा जाए। अधिक पाचिला पर्यंत फल को गछरे रखा जाए नहीं। इस तरह से फ्रूट की बैगिंग की जाती है। फ्रूट की बैगिंग करेंगे तो डैमेज नहीं होगा, फ्रूट का क्वालिटी अच्छा होगा। तो फ्रूट को बैग कर देते हैं हम। बैग करने के बाद आप देखें, इस तरह से फ्रूट को हम बैग कर देते हैं और धीरे धीरे जो फ्रूट है ये पीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा। पीला नहीं होता है, ये लाल हो जाएगा, और लाल होने के बाद हम उसको तुरंत जो है तोड़ लेते हैं।
ड्रैगन फ्रूट रे भल चारा गछ बुंदा जलसेचन एवं पॉलीथिन रे आच्छादित करिबा एही सबुरे मुख्य खर्च होइथाय। एक एकर रे ड्रैगन फ्रूट चाष करिबा पई प्रथमतः 3-3.5 लाख टंका खर्च होइथाय, किंतु 3 वर्ष परे सेथिरु 2-2.5 लाख टंका प्रति एकर आय होइथाय। दर्शक बंधु, आमर कार्यक्रम आगक मध्य जारी रहिबो, नुआ नुआ तथ्य नुआ नुआ उपस्थापना आपनको सामने को आमे आनिबो, किंतु वर्तमान समय गोटे छोट बिरतिर। जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब भूले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सरकारों प्रोत्साहन आम राज्य चाषी भाई मान निजस्व निष्ठापर उद्यम बल में अनेक चाषी भाई वर्तमान कृषि क्षेत्र में सफलता हासिल करते वर्तमान उदाहरण सृष्टि करसंतु से ही गोटे सफल कहानी उपर नजर पकाइबा जहाँकि अन्य प्रेरणा। समन्वित कृषि एक समय एकाधिक चाष एवं अधिक उत्पादन अधिक लाभ, यह समन्वित कृषि करी आम राज्यर चाषी भाई माने वर्तमान सफलता हासिल करछंती। सफल चाषी मानक मध्यरु जणे हेउछंती बेगुनियार रवींद्र कुमार जेना। प्रथमे से व्यवसाय करथले, किंतु एहा परे से कृषि रे पाद थापिले। कृषि को जीवन जीविका भावरे से ग्रहण करिछंती। कृषि रे जेबेठारु से पाद थापिलेनी सेबेठारु आउ पछकु फेरी चाहि नहंती। सरकार पक्षरु तालीम एवं निजर दृढ़ निष्ठापर उद्यम बलरे से आज कृषि क्षेत्र में सफलता हासिल करिछंती। विशेषज्ञों परामर्श क्रमे आत्मार सदस्य हेबा परे तांकु विभिन्न प्रकार तालीम दियागला। बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद जाई से कृषि संपर्कित तालीम ग्रहण कले। एथिरे फूल चाषठारु आरंभ करी कदळी चाष एवं जिया खत उत्पादन संप्रुक्ति रहिथिला। आत्मारे यदि मेम्बर टी गले मेम्बर हवा परे मु टेक्निकल ज्ञान कौशल शिखा लगिली। इमेज रे 4-5 थर ट्रेनिंग गली एवं हैदराबाद भी ट्रेनिंग गली। जिया चाष, आंब चाष, फूल चाष रे बेंगलोर भी जाइथिली। इन सब चाष शिखिक आसला परे निजे हेठो केमिति मु निजे उन्नति करी चाष करी सेठो सार मानक सहित परामर्श करी हॉर्टिकल्चर, वेटनरी आउ सॉइल कल्टिवेशन एवं आमर फिशरी समय सहित जोगाजोग करी सब सार सहित मीटिंग रे आलोचना करी सेठो बहु प्रकार सार माने सहाय्य कले। तालीम नहीं फेरिया परे से कृषि कार्य आरंभ कले। एथिपाई मध्य कृषि विभाग पक्षरु तांकु सहायता जोगाई दिया गला। आर्थिक सहायता आकार रे ऋण प्रदान करा गला। एहा परे से पोखरी खोलिले एवं कदळी चाष आरंभ कले। खाली सेतिकि नुहे सेठारे आंब चाष मध्य करिछंती। वर्तमान एथिरु प्राय 5-6 क्विंटल पर्यंत आंब उत्पादन हेउछि। खाली जे पोखरी खोली कदळी चाष आंब चाष से करिछंती ताहा नुहे, से ऋतुकालीन पनीपरिबा चाष मध्य करुछंती। टमाटो, कोबी, बैगण आदि तांकर चाष अंतर्भुक्त। एहि पनीपरिबा चाष करी से ऋतुकालीन प्राय 1 लाख टंकारु अधिक आय करुछंती। बोले सर आंब लगेबी हेटकाले हाउ आंब लगांतु आउ सर आंब लगेला पर कदळी उठला बर्तन आंब बर्तन होगा मैच्युरीटी आसगलाणी गच सब फुल आसगलाणी 2-3 वर्ष लगे फल हो बर्तन 5-6 क्विंटाल लेखा आंब भी बाहर या देहरे आमर लगुच टमाटो, कोबी, बैगण इंटरक्रपिंग आपको भी भैकेन्स रखुनु
ଏ ବାବଦରେ ହାରାହାରି ଲକ୍ଷେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର ଇନକମ୍ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ। ଖାଲି ଯେ ପନିପରିବା ଚାଷ ବା ଫଳମୂଳ ଚାଷରେ ତାଙ୍କର କୃଷି ସୀମିତ ତାହା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛି। ଏହା ପଛରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ହାତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜଣେ। ମାଂସର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ଆୟ ହେଉଛି। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରି ପ୍ରାୟ 60,000-80,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ମୁଁ ନିଜେ ପକାଉଥିଲି କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲି ନିଜେ ତ ସବୁଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କମ୍ପାନୀକି ଆଇଚର କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଇ ବି କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପକାଉଛି କୁକୁଡ଼ା। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରି କରି ନେଇଯାଉଛି ତାର ସେ ମାଲ ସେ ଦାନା ଦେଉଛି ଚିଆଁ ଦେଉଛି ସେ ଗୋଟେ 45 ଦିନରେ ବୋଲେ କେଉଁ ମାସରେ କମିତି ହେଉନି ଯାହାହେଲେ 60,000-80,000 ଭିତରେ ଫି ମାସରେ ମିଳୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି। କୃଷିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର। କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥ୍ରେସର ପାୱାର ଟିଲର ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କର କାମ ଅତି ସହଜରେ ହୋଇପାରୁଛି। ଏଥିସହିତ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଇଥିଲୁ ମୁଁ କହିଲେ ଏତେ ବିଲ ତ ଚାଷ କରିହେବନି ସେଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ପୁଅଙ୍କର ମୋର ସେଠୁ କହିଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିବା ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଫେରେ ଚାଷୀ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ସେଠୁ 2 ଟ୍ରାକ୍ଟର କଲୁ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ସିନା କରିଦେଲୁ ଫେରେ ବେଙ୍ଗଳା କେମିତି ପଡ଼ିବ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଥ୍ରେସର କିଣିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋନ୍ ହେଲାନି ଆଉ ସବୁ ଏଇ ଚାଷ ଉନ୍ନତିରୁ କରିଛି। ସେଠୁ ଏଇ ଗଲା ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଫେରେ ଧାନ କାଟିବା କେମିତି ଫେରେ ଗୋଟେ କଟର ମେସିନ୍ ଆଣିଲୁ ତା'ପରେ କାଦୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫେରେ ରୋଟା ଭିଟର ଆଣିଲୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ଚାଷ ପନିପରିବା ଧାନ କୁକୁଡ଼ା ସହ ଆଜିର ସଫଳ ଚାଷୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଖୋଳି ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିଜେ ଏଠାରେ ମାଛ ରଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ମାଛ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସେ ଆଧୁନିକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଆଜି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ସେ ନେଇ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଫୋନ୍ ଇନ୍। ତେବେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏହାକୁ ଟିପି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଫସଲ ଚାଷ। ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ହେଉଛି 06742300138 ଯାହାକି ଦେୟଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 10003456742। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସମୟ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ସେ ନେଇ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଠିକଣା ହେଉଛି କୃଷି ଦର୍ଶନ